हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा सिक्स क्लास का इलेवंथ लेसन है। जो इलेवंथ का लेसन है, जो उसका क्या नाम है, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। मतलब प्रकाश के बारे में, छाया के बारे में और परावर्तन के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला ही हमारा जो है, हम प्रकाश के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। मतलब क्या होता है कि प्रकाश के बगैर हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे कि अगर आप बंद कमरे के अंदर चले जाओ तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा केवल वही वस्तु हमें दिखाई देगी। मतलब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा है एक प्रकार की, जो हमें देखने में मदद करती है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के अंदर मिलता है, पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। मतलब कि फोटोन क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट जिनके अंदर प्रकाश चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, फोटोन। दीप्त क्या होता है? वे वस्तुएं जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, या कुछ अन्य वे वस्तुएं जो सूर्य की तरह स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित कर देंगी। जैसे मतलब दीप्त का मतलब वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करेंगी, जैसे टॉर्च, बल्ब या जो भी ऐसी चीज जो अपना प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है। आगे देखिए दोस्तों, अपारदर्शी, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जिसके आर पार दिखाई पार नहीं देखा जा सकता। मतलब अपारदर्शी वो होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता प्रकाश। यह अब इसकी डेफिनेशन हम प्रकाश की उससे पढ़ेंगे कि जो अपने अंदर से प्रकाश को न गुजरने दे, अपारदर्शी। पारदर्शी जो अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती है अथवा जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसके एग्जांपल कौन से हैं? शीशा, पानी। और पारभाषी जिस ऐसी वस्तु है जिनके आर पार देखा तो जा सकता है परंतु धुंधला देखा जाता है। मतलब पारभाषी कौन सी वस्तु है? वे वस्तु है जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने तो देंगे लेकिन बिल्कुल कम जाने देंगी। इसका एग्जांपल क्या है? तेल लगा हुआ कागज। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभाषी होने पर होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु को अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा किंतु, मतलब है ना, किसी भी वस्तु का जो पारदर्शी है, पारदर्शी और पारभाषी होना किस बात पर निर्भर करेगा कि वह वस्तु अपने अंदर से प्रकाश जाने देती है। अगर जाने देती है तो वो पारदर्शी हो गया, अगर नहीं जाने देती तो अपारदर्शी, अगर थोड़ा जाने देती है तो पारभाषी। तो ये देखिए, इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन थी। तो आगे देखिए, छाया, जब कोई वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाती है, मतलब कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार से दिखाई न दे, वो वस्तु अगर प्रकाश के रास्ते के अंदर आ जाती है तो छाया बन जाती है। जैसे मान लो हमने टॉर्च जलाई और टॉर्च के सामने आपका मित्र खड़ा होगा, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपके मित्र के पीछे आप देखेंगे तो उसकी छाया जो है कि उसके पीछे बन चुकी होगी। जैसे ही मतलब कि जब, जैसे देखिए दोस्तों, पेड़ की जो छाया बनती है, जब पेड़ जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती की तरफ आ रहा होता है, तो पेड़ की जो शाखाएँ हैं, पत्तियाँ हैं, वे उसके रास्ते के अंदर आ जाती हैं प्रकाश के रास्ते के अंदर, और उनके अंदर से प्रकाश गुजर नहीं पाता, इसलिए पेड़ की छाया बन जाती है। छाया क्या होता है? मतलब कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु जब प्रकाश के रास्ते के अंदर आ जाएगी तो उसकी छाया बन जाएगी। हमें सूर्य की तरफ सीधा नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब सूर्य की तरफ सीधा बिल्कुल कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो प्रकाश है वो सीधी रेखा के अंदर गति करता है, न कि जैसे मान लो हमने हमारे कमरे के अंदर बल्ब जला दिया और पूरे घर की लाइट बंद कर दी, तो ये नहीं है कि प्रकाश कहीं से भी निकल कर चला जाएगा, या अगर उसके सामने दीवार आ गई तो प्रकाश वहीं रुक जाएगा। ये नहीं कि प्रकाश कहीं से भी निकल कर चला जाएगा, मतलब कि वह सीधी रेखा के अंदर गति करता है। परावर्तन क्या होता है? देखिए दोस्तों, परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में ज़्यादा गहराई से हम आपको आगे बड़ी क्लासों में बताएंगे। तो अब देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है, अगर उसके अंदर से पार हो जाए तो वो क्या होता है? अपवर्तन। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब कि दर्पण का जो परावर्तन होता है, मतलब दर्पण पर जब प्रकाश पड़ेगा तो उस जो प्रकाश वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगा जिस दिशा से आया था, तो उसको क्या उससे कैसा प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आगे इसका जो पाठ का सारांश और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पाठ का जो सारांश है एनसीईआरटी का, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो पूरे पाठ का जो निचोड़ होता है वो इसी के अंदर होता है। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देती, मतलब कि जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती। जैसे कि हमने पहले बताया, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। मतलब कि जो पारदर्शी वस्तुएं होती है वे अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है और उनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिए, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है कि अपारदर्शी कौन सी होंगी जो प्रकाश को बिल्कुल नहीं जाने देंगी, पारदर्शी जो प्रकाश को अच्छी तरह से जाने देंगे, पारभासी कौन सी होंगी जो प्रकाश के मतलब थोड़े बहुत भाग को जाने देंगी। जब प्रकाश के पथ में कोई वस्तु अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। मतलब जो सूची छिद्र कैमरा है इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं को देखने, मतलब जो अतिदीप्त का मतलब जो अति ज़्यादा चमकीली वस्तु उनको देखने में किया जा सकता। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है, जब दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरण वापस उसी दिशा में लौट जाएगी तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं, मतलब जो प्रतिबिंब बढ़ते हैं वे छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। मतलब प्रतिबिंब का मतलब जो चित्र और छाया का मतलब है जो उसकी छाया बनी। सरल रेखा में गमन करता है, जैसा कि हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया। तो इसके आगे देखिए MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके या जिसके आर पार प्रकाश जा सके, अंदर से प्रकाश जा सके। पारभाषी जिसके अंदर से प्रकाश की कुछ किरणें ही जा सके उसे पारभाषी कहते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है, पृथ्वी को सूर्य प्रकाशित करता है। आगे देखिए दोस्तों, अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी हैं, लकड़ी प्लास्टिक रबड़, मतलब उपरोक्त से भी अपारदर्शी वस्तुएं हैं जिनके अंदर से नहीं देखा जा सकता। आगे देखिए दोस्तों, दीप्त पिंड किसे कहते हैं, दीप्त का मतलब वह वस्तु जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो देखिए दोस्तों, जो वस्तुएं स्वयं सूर्य की तरह स्वयं बड़ा प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या है, दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करती है। इसलिए दर्पण के लिए कौन सा होगा हमारा आंसर सी होगा, दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो किसके लिए कार्य करती है, जो प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे देखिए दोस्तों, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है, छाया बन जाती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कोई वस्तु जब अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के रास्ते में आ जाती है तो क्या बन जाती है, छाया। तो आगे देखिए, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूरज को कैसे देखना चाहिए वैज्ञानिक यंत्रों से, मतलब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इस समय हमें सूर्य को वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से देखना चाहिए। दर्पण देखिए कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण तथा ऊर्ध्वाधर दर्पण। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो देखिए दोस्तों, आगे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या होता है, आंखों के लिए हानिकारक होता है ये। अगला हमारा, अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं जो सकोलन शीट, तार की जली, कार्बन पेपर शीट, मतलब दीप्त वस्तु वे होंगी जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करेंगे, जो इसका विपरीत होगा जो अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगे वे कौन सी होंगी, अदीप्त वस्तुएं। दर्पण परावर्तन से हमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है, स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब दर्पण से परावर्तन होता है तो हमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है, स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं जो अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जुगनू अपना प्रकाश स्वयं करता है, चंद्रमा अपना प्रकाश, मिट्टी के तेल का स्टोव, मतलब ये सब ही अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रकाश कैसे गमन करता है, सरल रेखा के अंदर प्रकाश गमन करता है। तो आगे चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी धरती पर कितने समय में पहुंच जाती है, मतलब सूर्य की जो रोशनी है धरती पर कितने समय में पहुंचती है, 8:33 के अंदर जो सूर्य की रोशनी है वो धरती पर पहुँच जाती है। और जो सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है, 3×10^8 होती है, कितनी होती है, 3×10^8। जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो रोशनी की गति होती है, सूर्य ग्रहण के समय चांद किस
के मध्य आता, सूर्य ग्रहण के समय चांद सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता, मतलब ये जब सूर्य ग्रहण होगा तो जो चांद है वो पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाएगा और जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा और पृथ्वीवासियों को चांद जो सूर्य है वो आधा दिखाई देगा। सूची चित्र कैमरे में सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देंगे उल्टे, मतलब जो सूची चित्र कैमरा उसके अंदर सड़क पर चलते हुए लोगों के चित्र कैसे दिखा प्रतिबिंब कैसे दिखाई देंगे उल्टे। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त, मतलब जो सूर्य की तरह अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त। तो देखिए दोस्तों ये थी हमारी आज की एनसीईआरटी क्लास का जो 11th लेसन, और हमने बिल्कुल ये एनसीईआरटी से लिया हुआ डाटा है, और लिया हुआ है नहीं बल्कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको नोट करके बताया जा रहा है दोस्तों। और लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।